dear students today we are going to study the 12th chapter of geography and the name of the chapter is insulation here the question arises what is the meaning of insulation actually insulation is the amount of solar radiation reaching a given area is called insulation actually so far as the insulation is concerned it is just related to the sun's rays Sun, as you know, is the chief source of energy for the earth, and it is a large celestial body having a high temperature. So, sun radiates energy in the form of electromagnetic waves and they travel in all directions from the sun. The amount of solar radiation, what reaches on the earth at a particular area, is called insulation. The earth size or very small and the distance is very to जितना एनर्जी सन रेडिएट करता है उसका बहुत ही कम पार्ट यानी 2000 करोड़ का एकमा पार्ट ही सन का जो एनर्जी है वो अर्थ तक पहुंच पाता है तो अगर हम इसको डिफाइन करें इन्फ्लेशन को तो ये हम कह सकते हैं कि द रेडिएट एनर्जी रिसिव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड द इनकमिंग सो एंड इनकमिंग सो को ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन यानी सूर्य की जो हीट अर्थ तक पहुँचती है वही इंसुलेशन है सोलर रेडिएशन इज द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ यानी हमारे अर्थ पर जो हीट आता है लाइट आता है उसका चीफ सोर्स ही सोलर रेडिएशन है सन का लाइट है सन का हीट है रेडिएशन फ्रॉम द सन इज मेड अप ऑफ थ्री सेक्शंस दैट इज द विजिबल व्हाइट लाइट जो आमतौर पर दिखाई देता है जब साइन साइन होता है उस टाइम में तो और इसके अलावा एंड द लेस विजिबल अल्ट्रावायलेट एंड इन्फ्रालाइट ये तीन तरह का तो so, हम लोग यहाँ पर मेनली इसके डेफिनेशन से कंसर्न है इसके बाद हम लोग को दूसरा डेफिनेशन जो पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि हमारा जो एटमोसफियर है इस एटमोसफियर में जितना भी यानी सन का हीट और लाइट आता है उसका थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल इंफुलेशन दैट रीचेज द एटमोसफियर इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय डस्ट पार्टिकल्स या क्लाउड या एयर मॉलिकल्स ये थर्टी फाइव परसेंट यानी हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है बाकी फोर्टीन परसेंट जो है वो एटमोसफेयर में प्रजेंट जो गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर वाटर पेपर ये इसको एबजॉर्व कर लेता है तो ये हो गया दोनों मिलाकर थर्टी फाइव प्लस फोर्टीन फोर्टी नाइन परसेंट इसके अलावा जो बच गया फिफ्टी वन परसेंट यही सिर्फ अर्थ तक आता है जिसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जब हम गर्मी महसूस करते हैं वो ये फिफ्टी वन परसेंट है यानी सन की एनर्जी का फोर्टी नाइन परसेंट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और फिफ्टी वन परसेंट हमारे अर्थ तक पहुँच पाता है ये फिफ्टी वन परसेंट जो है वो अर्थ इसको एब्जॉर्व करती है ये सन हीट एनर्जी इज ऐब्जॉर्व सन का जो हीट एनर्जी है हम लोग चलते हैं टेस्टे एडिशन में तो क्या है टेस्टे रेडेशन सन के हीट को जो हम ऐब्जॉर्व कर अर्थ ऐबॉर्व कर लेता है एंड एटमॉसफेयर ड्यूरिंग द डे यानी अर्थ और एटमोसफेयर इसको एब्जॉर्व करता है दिन के वक्त रात के वक्त ये हीट जो है वो क्या करता है वो चीज़ एब्जॉर्व बाई द अर्थ एंड एटमोसफेयर इज रेडिएटेड उसको छोड़ता है रात में जब ठंडा होता है तो अर्थ और एटमॉस्फेयर ने जो हीट को एब्जॉर्व किया है उसको छोड़ता है सन्स एनर्जी एब्जॉर्व बाय द अर्थ सरफेस एंड रेडिएटेड आउट यानी सन की जो एनर्जी अर्थ के द्वारा एब्जॉर्व किया गया और जो इसको छोड़ा गया इस स्पेस में इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो दस द इंसोलेशन रेडिएटेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इस तरह से हमने दोनों का डेफिनेशन देखा जो हमारे सिलेबस में है एक तो इंसोलेशन का और दूसरा है टेस्ट रेडिएशन इंसुलेशन मतलब कमिंग सोल रेडिएशन और दूसरा है टेस्ट रेडिएशन जो अर्थ एब्जॉर्ब करती है और फिर से उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ती है हमारा एटमॉस्फेयर तीन तरीके से बल्कि चार तरीके से ये एक्चुअली हीटेड होता है पहला है रेडिएशन रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी रेडिएंट एनर्जी को इमिट करती है छोड़ती है और एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट यानी एनर्जी जो सन के द्वारा प्राप्त होता है हीट के फॉर्म में यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी इमिट से एनर्जी यानी बॉडी हीट को इमिट करती है छोड़ती है ड्यूरिंग द डे द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन बाई इंसोलेशन द अमाउंट लॉस्ट बाय रेडिएशन दिन के वक्त में जितना एनर्जी वो रिसीव करती है उससे कम वो छोड़ती है इसीलिए दिन में कोई चीज़ गर्म हो जाता है टेम्परेचर राइज कर जाता है रात के वक्त उल्टा होता है जितना वो छोड़ती है उतना वो रिसीव नहीं करती इसीलिए कोई चीज़ रात के वक्त ठंडा हो जाता है दूसरा है कॉन्वेक्शन प्रोसेस कन्वेक्शन प्रोसेस में ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए लिक्विड और गैस टू अनोदर बाई मोवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पार्टिकल खुद मूव करता है यानी हीट को लेकर पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्शन इसमें हीटेड एयर जो होता है एक्चुअली वो हवा से हल्का होता है ये ऊपर उठता है स्प्रेड होता है फिर ये कूल होता है सिंक होता है ऊपर जाकर ठंडा हो गया फिर नीचे आ गया एज इट टीचेज डाउन जैसे नीचे आता है फिर ये स्प्रेड होता है और हीटेड होकर फिर ऊपर जाता है इस तरह से कॉन्वेक्शन का प्रोसेस चलता रहता है जिससे एयर जो है गर्म हो जाता है कंडक्शन प्रोसेस में जो हीट है वो ट्रांसफर्ड होता है डायरेक्टली थ्रू मैटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट पास करता है वार्मर रीजन से कोल्डर रीजन में या वार्मर सब्सटेंस से कोल्डर सब्सटेंस में तब तक जब तक कि टेम्परेचर दोनों का एक जैसा न हो जाए तो इस तरह से कंडक्शन प्रोसेस में भी यानी से भी हीट जो है वो एटमोसफेयर गर्म होता है एडवेक्शन प्रोसेस जो चौथा प्रोसेस है उसमें विंड टेम्परेचर को कैरी करती है एक प्लेस प्लेस पर यानी टेम्परेचर राइज कर जाता है यदि किसी तरह का यानी टेम्परेचर राइज करेगा जब यानी वार्मर रीजन से कोल्डर रीजन में कोई एयर जाएगा या फिर कोल्डर रीजन से एयर वार्मर रीजन में आएगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा तो विंड जो कैरी करती है किसी एयर को उसको हम कहते हैं एडवेक्शन यानी तो इस तरह से हमारा एटमोसफेयर चार तरीके से हीटेड होता है रेडिएशन कन्वेक्शन कंडक्शन और एडवेक्शन ये चारों तरीके से इसको हम यानी क्या करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर को हीटेड होने का ये चार प्रोसेस है तो आज हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से यानी इंसुलेशन क्या है ट्रेस्टल रेडिएशन क्या है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट जो है वो सन का अर्थ तक पहुँच पाता है कितना रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और किस किस प्रोसेस से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीटेड हो जाता है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि एटमॉस्फेयर हीटेड होने का जो फैक्टर्स है वो क्या है ओके okay? आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच